नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं हाउस रेंट अलाउंसेस से जुड़ा हुआ बहुत सारा सिग्निफिकेंट बातें आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, खास करके अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के तहत आप अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आप हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको एचआरए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर ऐसा सिचुएशन पे आप सेक्शन 80GG के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब अगर आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करने जा रहे हो तो आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, जैसे कि आपको एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहना है, एचआरए आपका सीटीसी का एक पार्ट होना चाहिए, आपके पास वैलिड रेंट रिसिप्ट और रेंट पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए, एचआरए कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। अब देखा गया है कि फॉर्म 16 में जो एचआरए का अमाउंट रहता है उस पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10(13) में जो बताया जाता है, आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे आप उतना अमाउंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर बहुत सारा जगह है जहां पर डिस्कशन का स्कोप है, तो एक एक करके वो सारा पॉइंट्स को मैं अभी कवर करने जा रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एचआरए का जो डिक्लेरेशन है वो ऑफिस में दिए नहीं, इस वजह से सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में जो डिडक्शन मिलना चाहिए था वो आपका फॉर्म 16 में है नहीं, पर आपने जेन्युइनली रेंट पेमेंट की है, तो अब जब इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे तब आपको ये डिडक्शन क्लेम करने होंगे। और डिडक्शन क्लेम करने के साथ साथ आपके पास सफिशियंट एविडेंस भी होना चाहिए ताकि अगर बाद में डिपार्टमेंट आपसे क्वेरी करे तो वो सारा इंफॉर्मेशन और सारा डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के पास प्रोवाइड कर पाओ। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम करने जा रहे हो तो आपके पास कौन कौन सा वैलिड प्रूफ होना चाहिए। सबसे पहला है कि आपके पास नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा है रेंट रिसिप्ट होना चाहिए, तीसरा पॉइंट है कि आप जो रेंट पेमेंट कर रहे हो उसका एविडेंस होना चाहिए, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो बैंक स्टेटमेंट ही एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जिससे साबित होता है कि आपने रेंट पेमेंट की हो। और क्या चाहिए, इसके साथ साथ लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ साथ अगर आपके पास सर्टिफाइड एचआरए कैलकुलेशन शीट है, तो आप इनकम टैक्स में सेक्शन 10(13A) के तहत एचआरए क्लेम कर सकते हो। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारा ऐसा एम्प्लॉय है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड लेने के चक्कर में ज़्यादा एचआरए का डिडक्शन क्लेम करते आए हैं, पर आज के दिन वो करना सही नहीं है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट क्वेरी करेगा तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फर्निश करने होंगे, और अगर आप फर्निश नहीं कर पाएंगे तो आपने जो एचआरए का डिडक्शन क्लेम किया है उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। आपका जो इनकम है उसके साथ एचआरए डिडक्शन का जो अमाउंट है उसको ऐड अप किया जाएगा, और फिर आपके पास एक नोटिस सर्व करके बताया जाएगा कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो गलत है, हम लोग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कैलकुलेशन किया है उसके मुताबिक आपको इतना रुपए का टैक्स देना होगा। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। देखिए, हर चीज़ का एक एक्शन और रिएक्शन होता है। अगर डिपार्टमेंट को लगा कि आपने जो एचआरए क्लेम किया है वो सही है तब ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है, आपको अलाउ कर देगा। पर अगर डिपार्टमेंट को लगा कि आप एचआरई का जो एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हो वो सही नहीं है, और सिर्फ पहली बार नहीं, आप पिछले बहुत सारे साल से ये प्रैक्टिस में रखे हो कि एचआरई क्लेम करके रिफंड ले रहे हो, तो आप जान के रखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका पिछला साल का रिटर्न जिसका रिफंड आपको मिल चुका है उसका भी रीअसेसमेंट हो सकता है। और ऐसा सिचुएशन पे क्या फेनोमेनन होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सम अप अगर करूँ तो इतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप एचआरए का एग्जम्पशन लीजिए, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, आप अगर फेक एचआरए क्लेम करते आए हैं, तो प्लीज़ इस साल अपने रिटर्न में एचआरए का डिडक्शन मत लीजिए, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट क्वेरी करेगा तो आप मुसीबत में आ जाओगे। जब डिपार्टमेंट आपसे एचआरए का सारा सबूत मांगेगा वहाँ पे लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी वो लोग मांग सकता है, और ऐसा सिचुएशन पे आप समझ लीजिए कि ऐसा होगा कि जो लैंडलॉर्ड है उससे क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया
किया जा सकता है कि क्या आपने इतना पैसा रेंट में लिए हैं, और सिर्फ उतना ही नहीं, आपका जो लैंडलॉर्ड है क्या वो उनके रिटर्न पे जो रेंटल इनकम है वो दिखाए हैं। अगर सारा चीज को बारीकी से स्क्रूटनी करने के बाद ये मालूम चल जाता है डिपार्टमेंट को कि ये सारा एक फेक इंसिडेंस है, तो आप तो मुसीबत में पड़ोगे ही, साथ साथ जो आपका लैंडलॉर्ड है वो भी प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास जेन्युइन पेपर्स है, एविडेंस है, तो डेफिनेटली आप एचआरए का डिडक्शन क्लेम कीजिए, वरना मेरा सजेशन है कि एचआरए का फेक डिडक्शन मत लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा एक यूजफुल वीडियो लेके। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स।